हेलो फ्रेंड, हाजिर हूँ मैं यानी तनवीर शेख आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल तनवीर पर एक नए टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, क्या आप भी एक नए यूट्यूबर हो, नए मतलब चैनल बनाए हो और आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब पर ग्रो करूँ, यूट्यूब पर काम करूँ और ढेर सारे जो है सब्सक्राइबर बनाऊँ और व्यूज़ वीडियो पर लाऊँ? तो कैसे आएगा? फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर हमें कंप्लीट करना होता है और 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करने होते हैं, पब्लिक वॉच टाइम। उसके बाद ही हमारे चैनल पर ऐड आने चालू नहीं होते, हम अप्लाई कर सकते हैं ऐड के लिए। ठीक है, तो वो हम पहले 1000 सब्सक्राइबर को कैसे कंप्लीट करेंगे? देखिए, फर्स्ट टाइम क्या होता है कि जब आप चैनल बनाते हैं उस पर वीडियो अपलोड करने लगते हैं तो आप क्या करते हैं, बार बार आप जाकर अपने सब्सक्राइबर को चेक करेंगे, बार बार जाकर कोई वीडियो अपलोड किया उस वीडियो को देखेंगे कितने व्यूज़ आए। हाँ, मैं भी ऐसा करता हूँ। तो इस तरह से क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आप एक मिनट है आपके पास और आपको आप घड़ी को देख रहे हैं, ठीक है, घड़ी चल रही है, ठीक है। उस एक मिनट को अगर आप एक मिनट तक ध्यान से घड़ी को देखते रहोगे तो ऐसा लगेगा ना कितना लंबा टाइम हो गया, है ना, कि एक मिनट इतना लगेगा जितना एक घंटे के बराबर अगर आप घड़ी को देखते रहेंगे तो। अब वहीं अगर आप एक मिनट के लिए घड़ी पर से ध्यान हटा लेते हो, कहीं दूसरी जगह दिमाग लगा लेते हो, तो वो एक मिनट कब निकल गया पता ही नहीं चला। एक मिनट क्या, पाँच मिनट, दस दस मिनट कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बार बार सब्सक्राइबर को मत देखो कि कितने सब्सक्राइबर हुए, आपको सब्सक्राइबर चाहिए, सब्सक्राइबर बनाने हैं। तो मैंने कैसे बनाए सब्सक्राइबर, यहाँ देखिए, आज मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 1294 हैं। तो मैंने सब्सक्राइबर क्यों बनाए, कैसे बनाए, देखिए मेरे वीडियो पर अभी भी व्यू आप देख सकते हैं, 9 व्यू आए हैं और मैंने इस वीडियो को कब अपलोड किया है, 9 घंटे पहले, ठीक है, 9 व्यू आए हैं, 38 मिनट और एवरेज जो है 4 मिनट 44 सेकेंड का है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा के सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइबर चाहिए ना आपको, सब्सक्राइबर कैसे आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यूट्यूब पर काम करते रहना है दिल लगाकर। दिल लगाकर काम करने का मतलब ये है कि आप रोज़ पर डे एक वीडियो अपलोड करना ही करना है अपने चैनल पर, ठीक है। आज मैं जो अपनी पर ये मैं किसी की सुनी हुई बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं जो खुद पर बीती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कैसे किया है। मैंने जो किया है तो मैं भी सुना ही था, मैं भी सीखा ही था किसी से और मैं अब आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये करना है कि रोज़ आपको YouTube पर एक वीडियो अपलोड करना ही करना है, ठीक है, चाहे आप सुबह करें या शाम करें या दोपहर करें, किसी भी एक टाइम, कोई भी एक टाइम आप बना लीजिए और उस टाइम पर आप अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहिए, रोज़ अपलोड करते रहिए। तो अपलोड करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि अब आपका जो है सब्सक्राइबर आना ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, जिस तरह से मेरे साथ हुआ था। और व्यू भी किसी कोई आप हर तरह का वीडियो बनाइए फर्स्ट टाइम, हर तरह का, ठीक है। हाँ, बताना चाहूँगा कि आप अपने वीडियो पे गाने जो है यूज़ नहीं कर सकते वरना कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। आप पर्सनल वीडियो बनाइए, उसमें सब कुछ आप नया नया ऐड कीजिए, आवाज़, म्यूज़िक, विदाउट कॉपीराइट म्यूज़िक आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, ठीक है। कहाँ पर मिलेगी वो मैं आपको चलकर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप वीडियो अपलोड रोज़ कीजिए कीजिए कीजिए, करते रहिए। उसके बाद एक दिन आप सब्सक्राइबर को एक भी दिन देखिए मत कि कितने सब्सक्राइबर हुए, कितने व्यूज़ आए। हाँ, बेशक आप वीडियो अपलोड करने के बाद वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, फेसबुक पर फ्रेंड है वहाँ पर शेयर कर दिया कीजिए और अपने जो वीडियो को है व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए ताकि लोग देखें आपकी वीडियो को और आपको पहचाने, आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आपको दिखाना था कि आपको विदाउट कॉपीराइट म्यूज़िक यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, इसे जूम करता हूँ। जैसे आप यूट्यूब पर जाएंगे, क्रोम ब्राउज़र में अपना यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडियो में जाएंगे आप। उसके बाद स्टूडियो में जाने के बाद आपको डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आप जा सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी विदाउट कॉपीराइट म्यूज़िक कहाँ से लाएँ, इस तरह के आप सर्च करेंगे
तो आपको सारा जानकारी जो है सही सही मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा म्यूज़िक जो भी है यहाँ पर विदाउट कॉपीराइट है। यहाँ पर एक लाइन से लिखा हुआ कितने मिनट का है, ठीक है, कौन सा है, यहाँ पे वो टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आपको विदाउट कॉपीराइट म्यूज़िक मिल जाएगा, ठीक है। फिर वही म्यूज़िक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई गाना बाहर का यूज़ नहीं करना आपको, कोई गाना फिल्मी गाने वगैरह यूज़ नहीं करने हैं, वरना आपका चैनल ग्रो तो होगा ही लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको अपने चैनल को ग्रो करने का। चैनल ग्रो करने का बस यही तरीका है कि आपको बस दिल लगाकर काम करते रहना है, और एक साल तक आप काम कर लीजिए, यकीन मानिए कि एक साल के अंदर अगर आपका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होता है या 4000 वॉच टाइम घट्टा कंप्लीट नहीं होता है तो आप हमें बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप मेरी बातों को याद कर लीजिए और आप इसी तरह से काम कीजिए जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। एक साल तक बिना सोचे समझे रोज़ एक वीडियो बनाकर अपलोड कीजिए अपने चैनल पर, ठीक है। और वीडियो अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप मोटिवेशन वीडियो बना सकते हैं लोगों को, उसमें भी मोटिवेशन वीडियो भी ज़्यादा चल रही है इस टाइम। आप जो है कॉमेडी वीडियो भी बना सकते हैं, कॉमेडी वीडियो का कोई टाइमिंग नहीं होता, वो हमेशा चलता ही रहता है, ठीक है। तो वो आपके आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वीडियो अपलोड करते हैं, किस तरह का वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो आप हर तरह का वीडियो अभी बनाइए, आप देखिएगा कि कोई एक वीडियो जो है वो ज़्यादा रैंक करेगी, ज़्यादा चलेंगी, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उस पर, तो आप क्या कीजिएगा कि उसी तरह का वीडियो को आप बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मेरे इस तरह का वीडियो पे ज़्यादा व्यू आता है, मतलब मेरे जो हैं लोग इस वीडियो को ज़्यादा देखते हैं, तो मैं इसी तरह का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद और मैं एक बार बता दूं आपको कि आप जो है फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करेंगे। पहले तो आप कुछ सब्सक्राइबर आपको वहाँ से कंप्लीट कर लेना है, फेसबुक पर जाइएगा, वहाँ पर लिखिएगा सब्स टू सब्स, ऐसे लिखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप आ जाएंगे फेसबुक पर। मैं आपको जाकर दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं चले गया फेसबुक में, और फेसबुक में जाने के बाद यहाँ पर सर्च बार में मैं टाइप करूँगा, सर्च बार में टाइप करूँगा सब फॉर सब्स, ठीक है, सब्स फॉर सब्स। इतना लिखने के बाद आप सर्च कर देना है, और जैसे सर्च करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है, सब्स फॉर सब्स वाले। तो इस ग्रुप के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिससे आप चैटिंग कर सकते हैं, ठीक है, फेसबुक आईडी पे, मैसेंजर पे चैटिंग कर सकते हैं, और उनसे कह सकते हैं कि सही बात करके बोल सकते हैं कि भैया आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूँगा, ठीक है। मैं टेक्नोलॉजी वीडियो बनाता हूँ, आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जाकर विजिट कीजिए। इस तरह से आप यहाँ पर से भी कुछ सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकते हैं अपने, ठीक है। अदरवाइज़ आप इंस्टाग्राम पर भी जाकर कुछ सब्सक्राइबर वहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से सब्स फॉर सब्स वाले ग्रुप मिल जाएंगे आपको, और चैनल भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वहाँ से आप भी सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं अपनी बताऊं कि मैंने फ़र्स्ट 400 सब्सक्राइबर मैंने फेसबुक से लिया था, फेसबुक इंस्टाग्राम से 400 सब्सक्राइबर मैंने पूरा किया था। उसके बाद मैंने पूरा करना छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप फेसबुक से सब्सक्राइबर लेते हैं ऐसे सब्स फॉर सब्स करके, तो वो क्या होता है कि आपके सब्सक्राइबर तो आ जाते हैं लेकिन आपके वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि वो आपके वीडियो को देखकर सब्सक्राइब नहीं करता है, वो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करता है आपके, क्योंकि आप उसके चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो ऐसे में क्या होता है, उनका काम होता है सिर्फ सब्सक्राइब करना, वो सब्सक्राइब करके छोड़ देते हैं क्योंकि उससे आपको आपके वीडियो में इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। उन्हें दूसरी वीडियो देखनी होती है, आपकी टेक्नोलॉजी वीडियो नहीं देखनी चाहती है, देखना है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं टेक्नोलॉजी वीडियो बनाता हूँ तो उसको आपके वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए वो आपकी वीडियो नहीं देखेगा और व्यू नहीं आएंगे आपकी वीडियो पर, हाँ सब्सक्राइब आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। और कोई बात रह गई हो वीडियो में तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। साथ ही बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन वाला बटन, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलता हूँ मैं यानी तनवीर से आपको फिर किसी नए वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय।